अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीज़ान टीवी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया। वफाकी हुकूमत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया। 49 साल अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते उस वक्त गोली मार कर हलाक कर दिया था, जिसका दावा किया गया था कि ये एक गलत शनाख्त का मामला है, जब वो मशरकी अफ्रीकी मुल्क के मागादी टाउन से नैरोबी जा रहे थे। बाद अजां कीनिया के मीडिया में शाये होने वाली रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गाड़ी में सवार अफराद में से एक ने पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की। तहकीकाती सहाफ़ी की अचानक मौत ने गुस्से को जन्म दिया, क्योंकि अवामी रियासती इदारों ने उनके कत्ल की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। जस्टिस अब्दुलशकूक कराची को कमीशन का सरबराह नामजद किया गया है, जबकि एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस उस्मान अनवर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद हामिद इसमें शामिल होंगे। ये कमीशन वजारत दिफा की दरख्वास्त पर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत तश्कील दिया गया है। कमीशन को हकायक जानने और हकूमत को रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा मीज़ान टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे आइंदा आने वाले तमाम न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।